शिकायतें कम और आभार अधिक व्यक्त करने से मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और सत्य घटना बताने जा रही हूँ। अगर आप इस घटना से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन भी बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं हम ये सुंदर सी घटना। एक बार की बात है, एक मोहन देव नाम का एक व्यक्ति था, यानी कि व्यक्ति नहीं संत था, जिसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो वो संत जो है सिद्धियों के कारण बहुत ही घमंडी और अहंकारी हो गया था। तो एक बार वो वृंदावन में आया तो घूमते घूमते पहले तो उसने खूब दर्शन किए, बांके बिहारी जी के मंदिर में गया और भी मंदिरों में गया और फिर एक दिन जो है यमुना के किनारे आकर बैठ गया। उसने देखा वहीं एक और वृद्ध यानी कि बुजुर्ग संत बैठे थे और जो राधा राधा नाम का स्मरण कर रहे थे। तो मोहन देव ने कहा कि बाबा तुम राधा राधा ही रटते रहोगे, आपने जीवन में कुछ पाया या दिन रात बस यही राधा राधा करते रहते हो? अब उस वृद्ध संत ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तो ये नाम पाना था पा लिया, मेरे जीवन का उद्देश्य यही था कि प्रभु मुझे मिल जाए और इस नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मुझे आनंद की अनुभूति हो गई है, यही नाम इस लोक में नहीं मुझे परलोक से भी तार देगा। मोहन देव ने कहा बस इतना ही? कहते तो तुमने क्या सिद्धि प्राप्त की है? उस वृद्ध व्यक्ति ने मोहन देव से कहा। मोहन देव तो इसी प्रश्न की तलाश में था कि कब कोई उसे कहे, वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करे। तो तुरंत बोला बाबा आप देखना चाहोगे? उसने कहा दिखाओ भी, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो मोहन देव जो है यमुना के पानी पर ऐसा चलने लगा जैसे वो धरती पर चल रहा हो। तो यमुना के उस पार गया और वापस आ गया और फिर उस वृद्ध संत से बोला देखा बाबा मैंने कैसी सिद्धि प्राप्त की है। अब जो वो वृद्ध संत थे वो शांत रहे और उन्होंने पास खड़े एक मल्लाह को बुलाया, कहता इधर आना, तुम ये बताओ कि यमुना पार जाने का कितना किराया लोगे? उसने कहा कि हम तो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। तो वृद्ध संत ने कहा कि मैंने जाना नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि कितने पैसे लोगे। तब उसने कहा बाबा चार आने। तब यानी कि उस वृद्ध संत ने मोहन देव से कहा कि तुमने चार आने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी कि जब यमुना पार करने में चार आने का किराया लगता है तो तुमने और कोई काम नहीं किया, बस ये एक ही काम किया और ऊपर से तुम में अहंकार और है कि मुझे ये सिद्धि मिल गई, ये भी कोई सिद्धि है? कहते कि पूरी जिंदगी केवल चार आने के लिए आपने बर्बाद कर दी। तो अब जो थे वो मोहन देव, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, गला रुंध गया था। तब जो है उन्होंने समझाया कि मानव जीवन जो है भगवान का नाम लेने के लिए मिला है, ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती है। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है कि जीवन की हमें सुख सुविधाएं चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए, हम ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, सिद्धियां पाना चाहते हैं, डिग्रियां पाना चाहते हैं, भौतिक चीजों की लालसा करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जबकि बाकी सब चीज निरर्थक है, केवल भगवान का नाम ही सार्थक है। इसलिए सांसारिक चीजों से मोह त्याग कर भगवान के नाम में अपना ध्यान लगाएं और फिर देखिए जीवन कितना सरल होगा और जीवन में कितने चमत्कार होंगे। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही सत्य घटनाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।